जहन दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स हों, सैनिक हों, भूतपूर्व सैनिकों को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। यानी उनकी तीन मांगें थीं और तीन मांगों को लेकर सबको ये आशा थी कि वित्त मंत्री यानी बजट भाषण में इसके बारे में घोषणा करेंगी। और उससे पहले लगातार वित्त मंत्रालय की जितनी समिति हैं और वित्त सचिव से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिलाया, लेकिन 23 जुलाई को कोई घोषणा नहीं हुई। अब वो चीजों को लेकर वित्त सचिव ने पूरा खुलासा किया है कि आखिर क्या आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा, क्या आपको 18 महीने डी एरियर मिलेगा, क्या आपको पुरानी पेंशन बाली होगी। जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है फाइनेंशियली। मैं एज एन ऑफिसर कह रहा हूँ, निर्णय तो सरकार लेगी, बट ये इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल इज माय ओपिनियन एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी। 8th पे कमीशन को लेके वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं, और शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने जिक्र किया, उन्होंने जो नेशनल रेलवे मेंस फेडरेशन है उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से भी वो मिले, उन्होंने उनको भी मेमोरेंडम दिया। 8th पे कमीशन को लेके क्या इसका पीरियड 1st जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। तो क्लियर उन्होंने कहा है, मैं राजनेता नहीं हूं ना राजनीति करता हूं, मैं इस समिति का अध्यक्ष हूं और मैं एक आईएएस अधिकारी हूं और वित्त सचिव हूं, मैं आपको बिल्कुल खरी आपसे बात करना चाहता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हो, एक पत्रकार महोदय जो टीवी शोभनाथन है, जो वित्त विभाग के सचिव हैं, बड़े अधिकारी हैं, और इन सब रक्षा जो आपके आर्थिक मामलों के भी एक जो समिति उसके अध्यक्ष है, उन्होंने सीधा कहा है कि मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं सीधी बात कहना चाहता हूं क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, क्या 18 महीने डी एरियर पॉसिबल है, क्या आपको ओपीएस पॉसिबल है, क्या 8वें वेतन आयोग पॉसिबल है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा और क्या खबरें, और यदि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है तो आगे केंद्रीय जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने अपनी क्या रणनीति बनाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ओपीएस पुरानी पेंशन पर आर पार की लड़ाई, और जैसा कि पुरानी पेंशन बहाली, 8वां वेतन आयोग को लेकर गठन की कोई घोषणा नहीं हुई है, तो इसके ऊपर रार अब ठन गई है। रार मतलब समझते हो, तकरार हो रही है। अब केंद्रीय बजट में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जितने आपके केंद्रीय कर्मचारी संगठन हैं, चाहे वो AIDEF हो, चाहे पेंशन समाज हो, चाहे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम हो, जितने भी संगठन हैं, उन्होंने कहा है हमें ये मंजूर नहीं है, हमें 18 महीने डी एरियर चाहिए, हमें 8वें वेतन आयोग की घोषणा चाहिए और हमें पुरानी पेंशन बहाली चाहिए। लेकिन वित्त सचिव ने सीधा सीधा क्या कहा, जरा बोर्ड पर समझ सकते हो। यानी केंद्रीय कर्मचारियों में नाराजगी, आपके तीन मुद्दे, 8वां वेतन आयोग, 18 महीने डी एरियर और ओल्ड पेंशन स्कीम। वित्त सचिव का आखिरी जवाब, मैं नेता नहीं हूं, मैं अधिकारी हूं तो सच सुन लो, लॉलीपॉप कोई भी दे लेकिन क्या संभव है। उन्होंने कहा 18 महीने डीए एरियर अब मुमकिन नहीं है, अब इसके ऊपर फुल स्टॉप है कि यह सरकार अब और 5 साल लगेगी तो अब मुमकिन नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई बातचीत की जाए, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था। और ओपीएस का उन्होंने कहा इसमें सुधार हो सकता है, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सुधार हो सकता है कि पेंशन और एनपीएस में सुधार की समीक्षा समिति के अध्यक्ष टीबी शोभनाथन बोले पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं। तीनों मुद्दों को लेकर कर्मचारी चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि DADR को लेकर के भी है और पुरानी पेंशन को लेकर है। सरकार ने कहा है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, एनपीएस और जो एनपीएस पर एक नई समिति है वो रिपोर्ट देगी तो उसके ऊपर हम कुछ संशोधन कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर उन्होंने जो कहा वो आप सुन सकते हो। 8वें वेतन आयोग, समय है रिएक्शन के लिए, एक्शन के लिए, उन्होंने कहा इसके लिए समय पर्याप्त समय है, इसके बारे में वो कहने से बचे। उन्होंने कहा अभी तो समय है क्योंकि 1 जनवरी 2026 में ये लागू होगा, यानी इफेक्टिव। और जैसा कि पिछला कहता है इसका इतिहास कि यानी जो 2006 वाली जो 6th पे कमीशन था 2008 सितंबर तक खिंचाता, 1 जनवरी 2016 वाला 2018 तक खिंचाता, तो ये समझ सकते हैं कि 2026 नहीं तो 2028 हो जाएगी, 2029 में फिर चुनाव होंगे, तो इसको हम और लंबा इन्होंने खींच दिया है।
दोनों संभावनाएं कि वेतन आयोग गठन होगा या किसी कभी भी इसका रिवीजन हो सकता है किसी फॉर्मूले के तहत, तो दोनों संभावनाओं पर उन्होंने कहा विचार किया जा सकता है। यानी ये बात है यदि आपके, इसके अलावा यदि कोई भी खबरें आ रही हैं या रोज खबरें आ रही हैं उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये उसी समिति के अध्यक्ष हैं, ये वित्त सचिव हैं, IAS अधिकारी हैं, वित्त लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अब जितने कर्मचारी संगठन हैं, अब उन्होंने कहा कि नहीं, 13-14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर फैसला, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने किया ऐलान, चेतावनी दी है कि एक महीने के अंदर यदि हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम संसद का भी घेराव करेंगे। उन्होंने कहा वित्त मंत्री सीता निर्वण ने अपने बजट भाषण में क्यों 8वें वेतन आयोग का जिक्र नहीं किया गया, क्यों उन्होंने हमारी मांगों का जिक्र क्यों नहीं किया गया, जबकि हमारी उनसे मुलाकात पहले हो चुकी थी, हमने पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री को भी संबोधन किया था कि आप इनके ऊपर रिएक्शन, आपने एक्शन नहीं करना था लेकिन जवाब देना था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देना नहीं कहा। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के AIDF के महासचिव श्री श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारी वर्ग को OPS चाहिए और इससे हमें कुछ भी कम मंजूर नहीं है, 8वें वेतन आयोग का गठन चाहिए, दूसरी हमारी मांगे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 2 अगस्त को AIDF की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली जंतर मंतर पर होगी और वहाँ पर प्लान किया जाएगा, हम कामकाज ठप करेंगे और रेल का भी सारी चीजें व्यवस्था हम बंद करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। तो दोस्तों ये थी अभी तक अपडेट, जैसा कि बातें बहुत चल रही थी लेकिन अभी इस पर पूर्ण विराम है। अब कर्मचारी संगठन 2 अगस्त को जंतर मंतर पर अपना प्लान करेंगे और 13 और 14 अगस्त को उन्होंने कहा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, उसके बाद क्या बैठक होगी, उसके बाद क्या बातचीत होगी, क्या निकल के आता है वो बात की बात है। धन्यवाद।